मथुरा जनपद में लगातार हुई 3 दिन बारिश के चलते ज्यादातर किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है तथा खेत में खड़ी हुई ज्वार, बाजरा, चरी एवं अन्य सब्जियों की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। हालात यह है कि चारों तरफ खेतों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और किसान इस समय परेशान है। मथुरा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में जब किसानों से हालचाल जाना तो उन्होंने कहा कि सरसों की खेती में लगभग 15,000 की लागत आती है, लेकिन अब पूरी तरह से फसल चौपट हो गई है और वे बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। उनके यहाँ कोई भी अधिकारी लेखपाल तक सर्वे करने नहीं आया है। मथुरा जनपद में हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। इस समय ग्रामीण क्षेत्र में है मथुरा ब्लॉक की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरह से जितने भी खेत हैं और खलियान है पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और फसल में जो बुवाई थी वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं जो कि अपने गाँव के लिए जा रहे हैं, इनसे जानकारी करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएँ खराब हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद है, बाटी का नाम रहने वाला, बाटी गाँव के रहने वाले। फूलचंद जी, क्या स्थिति रही 3 दिन लगातार? हमारे यहाँ एक सरसों बह गई थी, 15,000 किलो लगातार आई थी और पानी भर गया सारे खेत में, सब खत्म नष्ट रह गई फसल हमारी। 15,000 रुपये बीघा की लागत किस आई आपकी खेती? किस चीज़ खेती थी? ज्वार की, बाजरे की, हमारी ऐसे ज्वार, बाजरा, उर्द मूंग बात करवा लो। और तो वो कुछ अभी तो कोई किसान आए नहीं है? नहीं, अभी आपको भी नहीं आया था। ठीक है, देखो पंडित जी आए और अभी बता रहे हैं कि आप भी, आप किस गाँव के पंडित जी? हम गणेशरा गाँव के हैं जी, हमारे ही खेत है सर। अच्छा, क्या स्थिति रही अब तक? कोई आया? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया हमारे यहाँ। पानी पड़ा है विशेष करके, ना ज्वार, बाजरा, उर्द मूंग, तिल सब बराबर हो गए हमारे, सब बारी बराबर हो गए। प्रशासन ने ये कहा कि अधिकारी जो है सर्वे करेंगे, मुआवजा देंगे, कोई नहीं आया। अभी क्या स्थिति रही? स्थिति जी है भाई साहब, यहाँ कोई आया ही नहीं, देखने ही नहीं आया। मुआवजा तो जब मिलेगा? यहाँ कोई देखने तो आए ना, गोभी है वो नष्ट है गई, केवलाए भी नष्ट है गई, बैंगन हो गई नष्ट हो गए, गोभी वो नष्ट हो गई, टमाटर भी नष्ट है गए, कोई नहीं आता देखने के लिए। सब कागज की कार्रवाई करते हैं घर बैठे बैठे, यहाँ कोई आता ही नहीं है। ये देख रहा हूँ मैं, आपके खेते के साथ? जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम दीनदयाल पचौरी। दीनदयाल पचौरी जी हमारे साथ मिले, किसान है, उन्होंने बताया कि उनके खेत हैं जो देख सकते बुरी स्थिति में है, पानी भर चुका है, पानी हम दिखा चुके इससे पहले हम। हमारे साथ आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुट्ठल है। गुट्टल जी, क्या स्थिति है खेतों की? भाई यही स्थिति है, देखो पानी भरा हुआ है, खेती फसल मारी गई बिल्कुल, देखो लहाय बह गए, बेबी मारे गए, गोभी है फसल, ये सभी बारी बेलर की सब मारी गई, सब मारी गई, सब मारी। कोई सर्वे, कोई अधिकारी, कोई नहीं आया, कोई आया जांच? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया बाबू जी जाँच करने के लिए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया बाबू जी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए? पंडित जी बताओ, सरकार को क्या उठाना चाहिए कदम? कदम उठाना चाहिए, गरीबों को मुआवजा देना चाहिए, ब्राह्मण इनको सब खेत बा किसानों को, किसान बड़े त्राहे त्राहे कर रहे हैं। अब देखो पानी इतना भर रहा है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं जा रहा है, अभी अभी भूखे मर रहे हैं। एक वो बीमारी पलक की थी चल गई है, वो गऊन में है रही है लंपी, उसके लिए डॉक्टर तो आते हैं पर अभी एक बार आ जाते फिर नहीं आते। कुल मिला के वर्तमान में हम बात करें खेती की, जो खेती की व्यवस्था काफी खराब है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल बर्बाद हो गया किसान, सब तरह से चौपट। ये तो हमारे साथ पचौरी ने बताया कि जो अभी खेत देखने आए थे, खेतों की हालत देख करके हर किसान की आंख में आंसू हैं, क्योंकि अपनी जितनी भी जमा पूंजी किसान ने थी किसान के पास वो पूरी तरह से लगा दी गई है। 15,000 रुपये बीघे सरसों की खेत में लागत आती है, उसको लगा दिया गया। इसके साथ साथ कई किसान बता रहे हैं कि अभी तक इन ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये मथुरा के मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा ब्लॉक के गणेशा रोड का ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर ज्वार, बाजरा, चरी और यहाँ पर जो दाल की फसल होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ साथ सब्जी की जो फसल है पूरी बर्बाद हो चुकी है। अब किसानों को सिर्फ आसरा है सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे का। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने, कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।